अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज जो है वो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है घरेलू इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, उसके जो है वो दो सब टॉपिक्स हैं, एक है जो सर्किट वायरिंग और दूसरा है फ्यूज और स्विचेस। ठीक है, तो पीछे हमने जो पिछली सारी वीडियोस हमारी कवर हो चुकी हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस चैप्टर की। और अगर आप जो है वो पिछले चैप्टर यानी कि चैप्टर एनर्जी की वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप जो है वो प्ले लिस्ट पे जाएंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट पे जाने के बाद वहां पे आप सर्च देखेंगे नॉन स्टॉप सीरीज क्लास 10th आर्ट्स, तो वहां पे आपको क्लास 10th की आर्ट्स जर्नल साइंस जो है उसी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो माय नेम इज ईशान हुसैन और आप देख रहे हैं आपका ब्यूटीफुल लवली और हैंडसम सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। तो बड़ा आसान और लवली सा आज हमारा टॉपिक है जिसका जो नाम है वो क्या है, घरेलू इलेक्ट्रिक सप्लाई। मैं लिखता हूं घरेलू इलेक्ट्रिक सप्लाई, मतलब ये जो घर हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, उसके हवाले से हमने बात करनी है कि वो बेसिकली क्या है। ठीक है, तो उसके बाद इसके दो सब टॉपिक्स हैं, एक हम पढ़ेंगे जी, फर्स्ट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं सर्किट वायरिंग। क्या है? सर्किट वायरिंग। ठीक है, सर्किट वायरिंग पढ़ने वाले हैं। और दूसरा जो टॉपिक है वो है फ्यूज। ठीक है, फ्यूज और स्विचेस। ठीक, तो ये दो मेन टॉपिक हैं, इस वीडियो में हम इनको कवर करेंगे, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस, इनके एमसीक्यूज वो सारे कवर कर लेंगे। तो अभी तक अगर आपने कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ी तो भाई कॉपी पेंसिल पकड़ लें और अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि आप खुद बनाएंगे तो एक तो आपको चीज हर चीज कवर हो जाएगी और कुछ जो नहीं आएगी वो आप लिख लेंगे और दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सही है, पकड़ लिए कॉपी पेंसिल? चलो जल्दी जल्दी करो, पकड़ो, करें स्टार्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जी हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है जी, घरेलू इलेक्ट्रिक सप्लाई। अच्छा जी, ये कुछ इसमें से सारे एमसीक्यूज हैं, ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं तो हम उन्हीं को ज्यादा कवर करते हैं। ठीक है जी, तो ये घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई की जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, अगर हम उसके पोटेंशियल की बात करें तो वो 200 वोल्ट का पोटेंशियल होता है। और अगर हम बात करें कि वो कौन सा करंट है, हमने पीछे पढ़ा था एक करंट होता है एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट, और दूसरा होता है डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है, सिम्मत चेंज होती रहती है, वो है अल्टरनेटिव करंट, और जिसकी एक ही सिम्मत रहती है हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, डायरेक्ट करंट। पीछे बात हो चुकी है, तो जो 200 वोल्ट का आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो एसी करंट है। वो क्या है? एसी करंट। वो क्या है? एसी करंट। सही है, तो याद रखिएगा, आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि भाई जो आपके घरों में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मुहैया की जाती है वो कौन सी है, एसी है या डीसी है, तो आपने बताना है कि भाई वो क्या है, एसी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाई उनका पोटेंशियल जो है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे भाई 200 वोल्ट का है। कितना है? 200 वोल्ट का। ठीक है, न्यू एडिशन के मुताबिक ये है। चलें जी, अगर बात करें, अच्छा जी आपने देखा होगा कि बेसिकली दो तारें होती हैं। क्या होती हैं जी? दो तारें होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? दो तारे। मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूँ जी, दो तारे होती हैं, एक को हम आम आपने सुना होगा, एक दो, ये मैंने दो तारे बनाई हैं। ठीक है, एक जो है उसका रंग जो है वो रेड है, आमतौर पर ये रेड ली जाती है, और ये होती है ब्लैक। ये क्या होती है? ब्लैक। ऊपर रेड ले लें या ब्लैक ले लें, वो एक ही बात है। ठीक है, अच्छा जी, इस जो रेड है हम इसे गर्म तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्म तार। क्या बोलते हैं जी? गरम तार। ठीक है, अच्छा जी, गरम तार, या फिर हम इसे बोलते हैं लाइव वायर। क्या बोलते हैं? लाइव वायर। लाइव वायर, ठीक है, लाइव मतलब गर्म, यानी कि बेसिकली जो लाइव वायर होती है यानी कि जो लाल रंग की तार होती है वो ही उसी में से करंट गुजर रहा होता है। अच्छा जी, क्या समझ आई आपको? कि इसी में से ही करंट जो है वो
गुजर रहा होता है, ठीक है, करंट गुजर रहा होता है। अच्छा फिर ब्लैक क्यों लगाते हैं, तो भाई ब्लैक इसलिए लगाते हैं कि सर्किट मुकम्मल हो सके, आखिर इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि इसमें हमने सारा करंट गुजरने का प्रोसीजर पढ़ चुके हैं, तो जो है इधर से एक सर्किट मुकम्मल होगा तो तभी तो फ्लो होगा ना, ठीक है। तो सर्किट मुकम्मल करने के लिए हम ब्लैक लगाते हैं। अब हम इस ब्लैक तार को हम ठंडी तार बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, ठंडी तार, ठीक है, ठंडी तार, ठीक है, क्या बोलते हैं जी, ठंडी तार। समझ आ गई यहां तक, समझ आ गई। अगर हम इसके जो है वो पोटेंशियल की बात करें तो हम कहते हैं कि ये जमा 220 वोल्ट से तब्दील होता रहता है, किसमें, -200 वोल्ट में, ठीक है। मैंने दो चीजें लिखी है, मैंने कहा कि भाई ये 220 वोल्ट प्लस से -220 वोल्ट में तब्दील होता रहता है, यानी दोनों हैं, तो ये आपसे MCQs जो है वो पूछा जा सकता है। क्लियर है सबको, कोई यहां तक दिक्कत? अच्छा जी, अगर बात करें हम ठंडी तार का, इसका क्या पोटेंशियल है, इसका क्या क्या है पोटेंशियल, तो हम बात करेंगे कि इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो है, वो क्या है, सिफर है, ठीक है, वो क्या है, सिफर है, वो जीरो है, वो क्या है, जीरो है, सही है, समझ आ गई सबको, क्लियर है, चलें जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर बात करें इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी कि इनके दरमियान फर्क कितने का है, तो हम कहते हैं भाई इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अक्सर MCQs पूछा जाता है, तो हम लिखते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का, लाइव और ठंडी तार का, ठीक है, यानी गर्म और ठंडी तार का, जो यानी ठंडी तार को हम न्यूट्रल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, न्यूट्रल और लाइव वायर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम बात करें तो वो है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो ये MCQs ही हैं अभी तक सारे, अभी तक जो हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया है कि जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो भाई AC होती है, और उसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है जी 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की, ठीक है, यानी कि 200 या 220 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है दोनों में, ठीक है, ओल्ड बुक्स में मतलब दोनों ही हैं। अगर ये आ जाए, अगर ये दोनों आ जाए तो फिर थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे कुछ बुक्स पे ये लिखा है, कुछ बुक्स पे ये लिखा हुआ है, तो ये याद रखिएगा, दोनों में लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये बताया कि भाई अगर हम दो तारें होती हैं, एक होती है लाइव वायर जिसे हम गर्म तार बोलते हैं, और उसके बाद एक होती है ठंडी तार जिसको हम न्यूट्रल वायर भी बोलते हैं, इसका जो पोटेंशियल की बात करें तो ये जमा 220 से लेकर -200 तक तब्दील होता रहता है, यानी कभी +220 तो कभी -200, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई ठंडी तार जो है यानी न्यूट्रल का पोटेंशियल अगर बात करें तो वो जीरो है, सही है। उसके बाद मैंने बात की कि भाई इन दोनों के दरमियान जो फर्क है, यानी इसका डिफरेंस जो है, डिफरेंस इंग्लिश का लफ्ज है, यानी कि उसका दरमियान फर्क दोनों का कितना है, तो मैंने कहा कि भाई वो 220 वोल्ट है, वो कितना है जी, 220 वोल्ट है। यहां तक समझ आ गई सबको, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई मसला, क्लियर है सबको, हाँ जी आपको, ओके चलें जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन दो तारों के दरमियान एक और तार भी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, दरमियान में, ना मैं वैसे बना रहा हूँ, ठीक है, हालांकि वो दरमियान में नहीं होती, वैसे कहाँ बना लें, चलें मैं यहाँ बना लेता हूँ, एक तार और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, अर्थ तार, क्या है, अर्थ। अच्छा इसका काम क्या है, अर्थ वायर। अच्छा अर्थ वायर का क्या काम है, ये बेसिकली हफाजत के लिए लगाई जाती है कि अगर करंट वगैरह लगे तो वो जमीन में हम अर्थ कर देते हैं, यानी जमीन के अंदर वो मतलब ठीक है, मतलब समझ आ गई होगी, तो उसमें अंदर लगा देते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर लगा देते हैं ताकि अगर वो करंट वगैरह गुजरे तो वो मतलब जमीन के अंदर ही चला जाए, ठीक है, तो इसलिए हफाजत के तौर पर लगाई जाती है न्यूट्रल वायर। यहां तक क्लियर है, मैं रेज कर दूं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सर्किट वायरिंग के बारे में, कि सर्किट वायरिंग क्या है, कैसे की जाती है, उसके हवाले से, तो इसको मैं रेज करने वाला हूं, अगर नोट करना है तो भाई नोट कर लें, कर दूं रेज ओके। वाओ चलें जी, बहुत हलवा सा टॉपिक है यार, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अब हम बात करने वाले हैं सर्किट वायरिंग के बारे में, सर्किट वायर
सर्किट वायरिंग। अच्छा सर्किट वायरिंग क्या होता है, चले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, आपको समझ पढ़ तो आपकी बुक्स में लिखा ही है, पढ़ ही लेंगे। फर्ज करेंगे ये क्या है, ये एक मीटर है, ये क्या है, ये एक क्या है जी, मीटर है, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से एक हिंसा लिख लिया ताकि हमें याद रह जाए, ठीक है। यहां से कोई दो तारें आपके मीटर में आती हैं, दो या तीन जितनी भी आए, ठीक है। उसके बाद यहां से जो बाहें निकलती हैं ना, दो ही अंदर जाती हैं और दो ही बाहर आती हैं, ठीक है। मीटर से क्या होती हैं, दो तारें, फर्ज करिए मैं यहां से नहीं निकालता, मैं यहां से निकाल लेता हूं ताकि हमें थोड़ी समझ आ जाए। दो तारें आई हैं, इनमें से एक जो तार है वो हमने अभी बात की है कि दो तरह की तार होती है, क्या होती है, गर्म तार, मैंने भाई लाइव वायर को गर्म तार लिख दिया, लाइव है यानी गर्म तार है। एक को मैंने लिख दिया कि ये क्या है, ठंडी तार है, ये क्या है, ठंडी तार है, समझ आ गई। अच्छा जी, अब जब ये दो तारें बाहर आ गई तो इन दोनों के दरमियान में हम एक स्विच लगाते हैं, एक स्विच लगाते हैं दोनों तारों के दरमियान में, एक स्विच लगाते हैं जिसे हम, इस स्विच को जो है वो हम बोलते हैं मेन स्विच, मेन, मेन मतलब सबसे, ठीक है, स्विच। यानी कि ये भाई कि ये अगर ये दोनों ऑफ हो गए तो भाई आपके घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि भाई ऑफ भी हो सकती है ऑन भी हो सकती है। अगर आपने इसको ऑफ कर मतलब ऑफ निकाल दिया स्विच, ठीक है, तो यानी कि ऊपर उठा दिया तो फिर भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी आपके घर में, और अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो यानी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। तो फिलहाल हम इसे क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, सही है, फिलहाल यानी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, चले फिलहाल रहने दें, बाद में करते हैं फिर। इतनी समझ आ गई। अब मेन स्विच, अब डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, दो मीटर से जब दो तारें निकलती हैं ना, मीटर से क्या निकलती हैं, दो तारें निकलती हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान में एक सबसे मेन एक स्विच लगाया जाता है गर्म और ठंडी तार के दरमियान, उसे हम क्या बोलते हैं, मेन स्विच, ठीक है। तो हम लिखते हैं मीटर से आने वाली दोनों तारों के दरमियान में एक स्विच लगाया जाता है, इसे मेन स्विच बोलते हैं। समझ आ गई, इसको क्या बोलते हैं जी, मेन स्विच बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गई। अब जी इसके बाद एक बॉक्स लगा होता है, मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरे पास एक बॉक्स है। अच्छा जी, इस बॉक्स का काम क्या है, आपने देखा होगा कि एक बॉक्स आजकल इलेक्ट्रिसिटी में जब हम लगाते हैं तो एक बॉक्स लगाते हैं आमतौर पर, ठीक है। अब उस बॉक्स का क्या काम है, उसमें जो हम तार लेके आते हैं ना, हम हर चीज का अलग अलग ब्रेकर लगा लेते हैं, ठीक है, ब्रेकर बॉक्स, ठीक है, या फिर इस तरह की, मतलब डेफिनेटली आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी तो आपको तस्वीरों से ज्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। तो वहां से क्या हो रहा है कि इसमें हम इस जो दो तारे हैं ना जो आ रही हैं, इनको हम डिफरेंट एक ही पोटेंशियल चाहिए, यानी यहाँ पे 22, ठीक है, यानी 220 वोल्ट जो है वो हमारा करंट है, 220 वोल्ट करंट है। तो इसको हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि कुछ मतबाजी क्या कर देते हैं, मतबाजी क्या करते हैं भाई, मतवाजी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक होता है मतवाजी और एक होता है सीरीज, ठीक है, एक होता है पैरेलल, एक होता है सीरीज। तो याद रखिएगा, मतवाजी जो होता है ना, मतवाजी उसका मतलब ये होता है कि मेरे पास एक चीज ये है, फर्ज करें एक चीज ये है, एक चीज ये है, तो मैंने क्या किया, इन तीनों को इकट्ठा ही जोड़ दिया, इन तीनों की तारों को इकट्ठा लिया और एक चीज के साथ जोड़ लिया, ठीक है। ये क्या है, मेरे फर्ज करिए ये मैंने बैटरी के साथ जोड़ लिया, तो ये मेरा अब जो बना है वो है मतवाजी, वो क्या है, मतवाजी, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इन्हीं तीन चीजों को ऐसे जोड़ दूं, ठीक है, फिर ऐसे जोड़ दूं, फिर ऐसे जोड़ दूं, तो ये देखो जोड़ तो मैंने अब भी दिया है लेकिन वैसे नहीं जोड़ा जैसे जोड़ना चाहिए था, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने एक ली, फिर उसकी तार दूसरे के साथ जोड़ी, फिर अगली के साथ उसकी तार, और एंड वाली और पहली की तार को इकट्ठा जोड़ दिया, ठीक है, यानी बैटरी के साथ जोड़ दिया। तो मैं अब इसको मतवाजी नहीं कहूंगा बल्कि मैं इसे सीरीज कहूंगा,
क्या कहूंगा, सीरीज, ठीक है। तो मतवाजी में बेसिकली क्या होता है कि सब का पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, सब का पोटेंशियल सेम रहता है। अगर भाई इसका 220 है तो डेफिनेटली भाई इसका भी 220 होगा और इसका भी 220 ही होगा, ठीक है, सबका 220 होगा, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो बॉक्सेस लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो कम कर दिए जाए, समझ आ गई, क्लियर है। इस यहाँ ये दो तारे जो हैं, यहाँ पे एक बॉक्स लगाया जाता है, इसका काम क्या है कि इन दो तारों को, मतलब जितनी भी आपके घर में चीज़ें चल रही हैं उन सबको मतवाजी जो हैं, मतवाजी मतलब पोटेंशियल में तकसीम कर देना, बांट देना, ठीक है, कि हर चीज़ तक एक जैसा पोटेंशियल पहुँचे, हर चीज़ तक एक जैसा पोटेंशियल पहुँचे, समझ आ गई सबके, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है, समझ आ गई जी, कोई दिक्कत, कोई मसला, यहाँ तक मैंने हर चीज़ जो है वो साथ साथ ही किए जा रहा हूँ, ठीक है जी। चलें जी, उसके बाद हम बात करने वाले हैं, यहाँ से जो है बाहर आगे हम एक स्विच वगैरह लगाए जाते हैं, स्विच जो है वो लगाए जाते हैं। अब उनका क्या काम होता है कि किसी चीज़ को ऑफ या ऑन करना, स्विच का क्या काम है, किसी चीज़ को ऑफ या फिर ऑन करना, ठीक है। अब मैंने सर्किट ब्रेकर, फ्यूज़ और स्विच इनको सारा मर्ज कर दिया है, ठीक है, चीज़ों को समझाने के लिए, क्योंकि अगर आप इस सर्किट ब्रेकर को सिर्फ सर्किट वायरिंग को पढ़ेंगे तो आपको अगला फिर कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो मैंने इन सब को मर्ज करके समझाया ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो तो हम उसे पूछ सकते हैं, कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है, समझ आ गई सबको, क्लियर है, कोई मसला, कोई दिक्कत। चलें, उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई अब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है और मतलब बटन तक, और मतलब बटन जो है वहां तक पहुंच चुकी है ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो यहां से एक बात याद रखिएगा, अब ये जो बॉक्स हैं यहाँ पे हम लगाते हैं मेन स्विच, ठीक है। तो मेन स्विच जो हैं इनकी जगह अब किन्होंने ले ली है जी, जो मतलब जो हमारे आम तौर पे हम लगाते हैं ना स्विच वगैरह, ठीक है, उनकी जो जगह अब फ्यूज़, एक चीज़ होती है फ्यूज़, ठीक है, ये क्या होती है चीज़, फ्यूज़, ठीक है, फ्यूज़। अच्छा, इस फ्यूज़ का क्या काम, अब फ्यूज बेसिकली होता है एक ऐसा आला, अच्छा पहले मैं इसको कवर कर दूं उसके बाद मैं इसकी तरफ आता हूं, अभी फिलहाल इसको साइड रखें, एक याद रखें एक चीज फ्यूज होती है। अब जी आपके यहाँ पे आपने फर्ज करें कोई बटन शटर लगा दिए, ठीक है, और बटन जो है आम तौर पर याद रखिएगा लाइव वायर के साथ लगाए जाते हैं, लाइव मतलब गर्म तार के साथ बटन, या फिर जो भी चीज़ लगानी है, स्विच लगाने हैं वो आपने लाइव वायर के साथ लगाने हैं, ठंडी तार के साथ नहीं लगाने। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न क्या है भाई, उसकी रीज़न ये है कि जो आपके पास लाइव वायर है अगर आप उसको मतलब ऑफ कर देंगे बटन को या स्विच को ऑफ कर देंगे तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि भाई आगे करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा, और जो यानी कि जो आपको शॉक या इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है उसका खतरा खत्म हो गया, ठीक है, यानी बहुत कम हो गया। अगर आप न्यूट्रल के साथ लगाएंगे भाई चीज तो ऑफ हो जाएगी, कोई मसला नहीं, लेकिन वजह ये होगी कि अगर आपने गलती से उसको हाथ लगा दिया, अगर वो स्विच ऑफ भी है तो भी आपको करंट लगेगा, ठीक है, तो भी आपको क्या लगेगा जी, करंट लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज मैंने बात की थी, फ्यूज होता है, फ्यूज बेसिकली क्या होता है, फ्यूज लगाए जाते हैं कि ठंडी और गर्म तार के दरमियान एक चीज लगाई जाए, फ्यूज, ठीक है, फ्यूज। अच्छा, फ्यूज बेसिकली होता एक ऐसा आला है, एक ऐसा आला है जो मकर्रा मकदार से ज्यादा करंट को गुजरने नहीं देता, ठीक है, यानी मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, मैं कहता हूं कि भाई ये वाला जो है ये एक मैंने फ्यूज लगा दिया, ठीक है, और ये कितना है, ये मैं कहता हूं कि भाई इसमें से सिर्फ 5 एम्पीयर करंट गुजर सकता है, ठीक है। ये एक आला है, यानी कि ये एक आला है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो अगर मैं इसे 6 एम्पीयर करंट गुजारूंगा, 6 एम्पीयर करंट गुजारूंगा तो ये इसके दरमियान जो तार होती है ना वो पिघल जाएगी, इसके दरमियान एक तार होती है वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, पिघल जाएगी। ये मतलब पुराने जमानों में, अब तो हम थोड़े मतलब एडवांस हो गए ना, अब तो हम जो है वो ब्रेकर्स लगा लेते हैं, लेकिन ब्रेकर से पहले जो अगर किसी के घर में हो तो आप देख सकते हैं कि भाई ये वाले फ्यूज लगे हुए थे, ठीक है, फ्यूज। अगर आपको तस्वीरें नजर आ रही है तो आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा अब, ठीक है। तो अगर इससे ज्यादा करंट गुजरता है तो ये जो तार है वो पिघल जाती है, वो क्या करती है, पिघल जाती है। जब पिघल जाएगी तो करंट आगे नहीं जाएगा, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी
रुक गई, ठीक है, स्टॉप हो गई। तो अगर जी ये वाला आप बेसिकली आमतौर पर ये जो फ्यूज लगाए जाते हैं, ये जो फ्यूज लगाए जाते हैं, अगर हमें 5 एम्पियर करंट चाहिए तो हम 6 या 7 एम्पियर का लगाते हैं आमतौर में। कहें जो आपको मतलूब मकदार हो, के फर्ज करें मुझे 6 एम्पियर करंट चाहिए, तो मैं 6 का नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, मैं 7 का या 8 एम्पियर का करंट लगाऊंगा, मतलब जो फ्यूज लगाऊंगा, ठीक है। 6 का अगर मुझे 6 चाहिए तो मैं 7-8 का लगाऊंगा, ताकि जो है अगर ज्यादा हो जाए तो मुझे कोई इतना मसला ना हो, ये ना हो कि बार बार फ्यूज ही उड़ता रहे। अगर ये तार पिघल जाए तो हम इसे कहते हैं कि फ्यूज उड़ गया, ये क्या कहते हैं, फ्यूज उड़ गया है, फ्यूज उड़ गया है। समझ आ गई यहां तक, कोई दिक्कत, कोई मसला, क्लियर है सबको, कोई मसला तो नहीं है अब, ओके जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आजकल जो है, आजकल जो है एक एमसीक्यूज और है, वो कहता है कि अगर आप पावर प्लग्स के लिए, पावर प्लग्स के लिए जो फ्यूज इस्तेमाल करते हो वो आमतौर पर 13 एम्पियर का, तो एमसीक्यूज इसको अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यूज आ गया है। आज मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड में नहीं बोल रहा, ज्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ, चले कल लास्ट तक बोल देंगे यार, ठीक है। तो कर दें रेस, इसको भी कर दें रेस अब, चले कुछ एमसीक्यूज रह गए हैं और बस बात खत्म होने वाला है 1-2 मिनट तक, चलें जी। उसके बाद एक एमसीक्यूज और है, वो कहता है अगर आपको लाइट्स वगैरह के लिए जो चाहिए, मतलब फ्यूज वो 5 एम्पियर का लगाया जाता है, कितने एम्पियर का, 5 एम्पियर का लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल क्योंकि जमाना एडवांस हो गया है तो हम जो है वो फ्यूज नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि हम ब्रेकर से इस्तेमाल करते हैं, और ब्रेकर खुद ब खुद जो है ऑफ ऑन हो जाते हैं, ठीक है, खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, ऑफ ऑन हो जाते हैं। और उसके बाद एंड वाला जब आप पैरा बुक से पढ़ेंगे तो आपको वो बातें समझ आएंगी जो मैंने पहले कर दी हैं, यानी कि वो कि स्विच जो है वो आपने लाइव वायर के साथ लगाना है, न्यूट्रल के साथ नहीं लगाना। अगर आप लाइव के साथ लगाएंगे, ठीक है, तो करंट जो है वो मतलब नहीं खतरा रहेगा, अगर आप ऑफ कर देंगे, अगर आप न्यूट्रल के साथ लगा देंगे तो भाई आपको करंट लगने का खतरा जो है वो होता है, ठीक है। तो ये वाली बातें थी, अगर भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मतलब जो है जो वो लोग जो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो उन तक जरूर पहुंचा दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।